गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. गुड मॉर्निंग मेहुल, वेरी गुड मॉर्निंग मेहुल. लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स. लेट्स अदर पीपल जॉइन द सेशन. एम आई ऑडिबल इन विजिबल? राइट. Okay. Let's start today's session. ठीक है, तो session start करने से पहले जो process हम वही follow करते हैं हर बार. Last session में हमने क्या discuss किया था? Last case हमारा क्या था? Garment Craft versus प्रकाश चंद गोयल. वो basically case किस पर focus था? वो case बात कर रहा था हमारा constitution law से related था. ठीक है, तो वहां पर question कौन सा आया था? Article 226 और 227. ठीक है, हाई कोर्ट ने अपना सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करके उसका यूज करके वहां पर जो स्मॉल एरर्स थे उनको दूर करने की कोशिश करी. जब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ऑल दो आपके पास 226 में तो है पावर, 227 में नहीं है. क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा लास्ट केस. जिसने नहीं देखा है, जिसने मिस हुआ है, प्लीज वापस जाइए वीडियो को. इस क्लास के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा. रोस्टम लीगल की पेज पर आप जाएंगे जब यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा वीडियोस के सेशन में जो लेटेस्ट केस बताया मैंने वो था कौन सा, गारमेंट क्राफ्ट वर्सेस प्रकाश चंद गोयल. लेटेस्ट जजमेंट है, जनवरी में पास हुआ था 2022 में. जितने हम जजमेंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी एनालाइज कर रहे हैं, वो सारे हमारे 2022 के लेटेस्ट जजमेंट हैं. तो प्लीज क्लैट पीजी वाले एस्पिरेंट, जुडिशरी के एस्पिरेंट, प्लीज उन केसेस को जरूर देखना यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे. ठीक है, और बहुत प्यारा एक्सप्लेन करा है चीजों को, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपके सामने. जो प्रोविजंस क्वेश्चनिंग में आए थे, जिन पर क्वेश्चनिंग रेस की गई थी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या एनजीटी, या किसी ट्रिब्यूनल से जजमेंट पास हुआ हो, वो सारे ही डिस्कस किए हैं हमने, प्लीज देखिए जाके. तो वो केस हमें समझ में आ गया था, वो केस कंप्लीट हो गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड था. आज हम एक नया केस लेके आए हैं, एन राजेंद्रन वर्सेस एस वल्ली का. ठीक है, ये केस किसका है? ये फैमिली लॉ का केस है. हम डेली कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए. ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि अगर हम एनवायरमेंटल लॉ पे हैं तो एनवायरमेंटल लॉ को लेकर चल रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लेकर चल रहे हैं. नहीं, कल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से था, उससे पहले हमारा एनवायरमेंटल लॉ से था, उससे पहले हमारा टैक्सेशन पे था. तो कुछ वेरिएशन आपके लिए भी आते हैं, कुछ नए फैक्ट्स आते हैं, कुछ नई प्रोविजंस आते हैं. तो आज हम लेके आए हैं फैमिली लॉ का केस. ठीक है, जिसका नाम है एन राजेंद्रन वर्सेस एस वल्ली. अब फैमिली लॉ का है तो बेसिकली यहां पर डिस्प्यूट किस चीज का आया था? यहां पर डिस्प्यूट आया था हमारा डायवोर्स का. ठीक है, तो कपल था जिनकी शादी हुई थी और उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आए जिसकी वजह से उन्होंने डायवोर्स पिटीशन फाइल की. ठीक है, तो इतना इजी नहीं है डायवोर्स पिटीशन फाइल की, और यही तो क्वेश्चनिंग में आया था कि डायवोर्स ग्रांट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा. ठीक है, अब ये समझ लो कि फैमिली कोर्ट से उठ के ये गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से उठ के सुप्रीम कोर्ट आ गए. अब डायवोर्स की पिटीशन कहां पहुंच गई? फाइनली सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट को उस मैटर को डिसाइड करना पड़ा, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग हुई होगा. तो फर्दर हम मूव करते हैं इस केस में. तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था कि एक जो कपल था एन राजेंद्रन वर्सेस एस वल्ली में,
तो राजेंद्रन जो होते हैं वो हस्बैंड थे, वो वल्ली थे हमारी वाइफ, ठीक है। तो ये जो कपल था इनमें कुछ डिस्प्यूट्स आने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो वही जो छोटी मोटी चीजें जो होती हैं नॉर्मली, वही चीजें थी। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या कि जब ये डिस्प्यूट्स आने स्टार्ट हुए तो इसमें राजेंद्रन ने एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी। अब वो रीजनिंग क्या थी, वो रीजनिंग ये थी कि जो राजेंद्रन थे उनकी वाइफ, सॉरी वाइफ बोल रहा हूँ, सिस्टर, और जो वल्ली थी उनके ब्रदर, इनके बीच में कुछ लव एंगल था जिसके चक्कर में इनकी बाद में शादी भी हुई। तो ये दो कपल यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम, राजेंद्रन की सिस्टर और वल्ली की वल्ली का ब्रदर, तो इनके बीच में भी कुछ था और बाद में इनकी भी शादी हुई। तो यहां पर दो कपल्स हैं। डिस्प्यूट का मेन रीजन यही बना था जो इन्होंने कंटेंशन रेस किया था कि जो राजेंद्रन की सिस्टर थी उसके साथ कुछ गलत बिहेव हो रहा था और वो वापस आई, जिसके चक्कर में उसकी एस वल्ली से, जो कि यहां पर एक तरीके से अगर हम फाइनली बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो ये रिस्पॉन्डेंट थी। अपीलेंट कौन थे हमारे, राजेंद्रन थे, जिनकी चीजों को हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बेसिकली फैक्ट्स क्या थे कि एक कपल जो कि सेटिस्फाइड नहीं था, वो उन्होंने जब डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई तो डाइवोर्स पिटीशन में फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया। क्या कंटेंशन रेस किया था एन राजेंद्रन ने कि मेंटल क्रुएलिटी का। तो क्रुएलिटी का मतलब हर बार यही नहीं होता है कि कोई ड्रंकिन स्टेट में और वो हाथ उठा रहा है या परेशान कर रहा है या इस टाइप की चीजें, नहीं। यहां पर वाइफ के ऊपर उसने क्या कंटेंशन रेस किया था कि भाई हमें क्रुएलिटी के बेसिस पर, क्यों, क्योंकि उसका मेंटल हेरेसमेंट हो रहा था, मेंटल उसे टॉर्चर झेलना पड़ रहा था। जो यहां पर अपीलेंट है एन राजेंद्रन, उनको तो उन्होंने फैमिली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है। और हुआ क्या, जब सारी चीजों को देखा गया तो फैमिली कोर्ट ने इनको डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। तो इनको जब डाइवोर्स पिटीशन फाइल हो गया तो ठीक है भाई, डाइवोर्स मिल गया इनको। तो कुछ पीरियड होता है जो पास करना पड़ता है, तो उस कुछ टाइम के बाद राजेंद्रन ने दूसरी शादी कर ली। अब यहां से मैटर उठना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब जो हस्बैंड था जिसको डाइवोर्स मिल गया था, तो भाई एज पर हिंदू मैरिज एक्ट अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो कुछ टाइम बाद, जो लिमिटेशन एक्ट है उसकी, कुछ पीरियड निकल जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप रीमैरिज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीमैरिज की क्या कंडीशन थी, या तो विडो हो या रिनाउंसिएशन द वर्ड हो गया हो भाई के हस्बैंड या वाइफ नहीं मिल रहा है, या डाइवोर्स हो गया हो, तो ये कंडीशन थी ना रीमैरिज की, क्योंकि हमारे यहाँ बाइगेमी अलाउड नहीं है, हिंदू रिलीजन में बाइगेमी नहीं अलाउड है। तो उसके लिए आपको क्या करना था कि आपको जो पहले वाली जो आपकी मैरिज है वो आपको खत्म करनी थी, डिसॉल्व करनी थी, कैसे भी हो, चाहे वो खत्म हो गया हो हस्बैंड या छोड़ के चला गया हो, चाहे वो वाइफ हो, कुछ भी हो, यहां पर डाइवोर्स हो रहा था, तो वो रीमैरिज के लिए एलिजिबल थे। तो हुआ क्या, जब इन्होंने रीमैरिज कर ली तो कुछ टाइम बाद इन्होंने, इनके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एक नोटिस आ गया। भैया इनकी जो वाइफ थी एस वल्ली, इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी, अपील डाल दी। उन्होंने बोला कि यार ये बताइए, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है और ये जो इन्होंने रीमैरिज किया है ये गलत है और इनको आप हमारे साथ वापस रहने के लिए भेजिए। क्लियर हो रहा है? तो ये जब कंटेंशन रेस किया गया तो राजेंद्रन हाई कोर्ट में जो कि केस पहुंच गया था, तो वहां पर केस किसने फाइल किया था, वल्ली ने। तो वहां पर अपीलेंट कौन थी, वल्ली थी, इनकी वाइफ थी। क्यों, फैमिली कोर्ट से डिसीजन आया था, किसके फेवर में आया था, राजेंद्रन के फेवर में आया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जब इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि यार अपीलेंट कौन है, रिस्पॉन्डेंट कौन है। तो अपीलेंट वो बंदा होता है जो अपील फाइल करता है, प्लेंटिव वो बंदा होता है जो अग्रीव्ड होता है, ठीक है। जब आप इनिशियल फेज पे कोई केस फाइल करते हो सिविल सूट में, तो वो बंदा प्लेंटिव होता है जो फाइल करता है, एंड द अदर पार्टी इज डिफेंडेंट, जो उस केस को डिफेंड करती है वो डिफेंडेंट होती है। लेकिन जब हम एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में किसी एपेलेट कोर्ट में जाते हैं, अपील फाइल करते हैं उस सेम केस के अंडर में, तब जो बंदा अपना केस लेके जाता है वो कोई भी हो सकता है, प्लेंटिव भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है। जो सेटिस्फाई नहीं है कोर्ट के डिसीजन से वो अपीलेंट बनता है। क्लियर है? तो अपीलेंट कौन थे हाई कोर्ट में, एस वल्ली, जो उनकी वाइफ थी। वाइफ ने अपील फाइल करी कि ये जो फैमिली कोर्ट से डिसीजन आया ये हम इससे सेटिस्फाई नहीं है और आप तो इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन करो और हमें तो ये जो हस्बैंड ने हमारी शादी की है दूसरी, इसको आप खत्म करिए और हमें तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंडर में हस्बैंड को वापस भेजिए, या हमें हस्बैंड के पास वापस जाना है, ठीक है। ये इशू निकल के बाहर आया तो राजेंद्रन जो कि रिस्पॉन्डेंट था वहां पर, उन्होंने ये चीज बोली कि सर ये जो अपील फाइल करी है ये एज पर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर में कोई पिटीशन
सॉरी अपील फाइल करनी है, ठीक है, और नहीं करते हो तो फिर आप रीमैरिज कर सकते हो। तो वो ये बोल रहा है कि जितना भी टाइम पीरियड इन्होंने लिया अपील फाइल करने के लिए वो वैलिड नहीं था, वो उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। वेरी गुड मॉर्निंग दामिनी। फिर हुआ क्या कि उसके बाद जब हाईकोर्ट ने इस पूरे केस को एनालाइज किया तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, फैमिली कोर्ट ने तो ऑल ऑफ अ सडन पूरे फैक्ट्स को जज नहीं किया और उन्होंने डिसीजन दे दिया, ठीक है, इस बेसिस पे कि भाई हाँ भाई मेंटल क्रुएलिटी हो रही है और मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पर उन्होंने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, जबकि ये जो पूरे फैक्ट्स हैं ये पूरे फैक्ट्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम ब्रीफ में बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, पूरी चीजें समझेंगे कि बेसिकली हुआ क्या था इस केस में, ठीक है। तो सॉरी, उसके बाद हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने इसके डिसीजन को रिवर्स कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल इनके पास राइट है और ये अपील इन्होंने वैलिड टाइम के अंडर में की है, आप को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मतलब जो डाइवोर्स ग्रांट किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्लियर है। तो जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन डिसीजन था वो रिवर्स हो गया। अब हुआ क्या कि क्योंकि एन राजेंद्रन यहां पे रिस्पॉन्डेंट थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, तो वहां पर ये हो गए भाई, इनके इनको सेटिस्फाई नहीं हुए ये उनके डिसीजन थे, तो इन्होंने अपील कहां फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर अपीलेंट कौन है, एन राजेंद्रन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एन राजेंद्र इज द अपीलेंट एंड एस वल्ली इज द रिस्पॉन्डेंट, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं थे विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, क्लियर है। तो राजेंद्रन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इन्होंने ये चीज बोली कि हाई कोर्ट ने बिना किसी बेसिस के, बिना पूरे फैक्ट्स को जज किए उन्होंने डिसीजन को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, जबकि फैमिली कोर्ट ने हमें डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था, क्लियर हो रहा है। तो यार उनका बोलना ये था कि जब डाइवोर्स हमें मिल चुका था तो फिर उसको क्यों रिवर्स किया गया, उसके पीछे जो रीजनिंग दी गई कि नहीं जो एस वल्ली हैं वो आने के लिए तैयार हैं और उनको बुलाया नहीं आपने, उनको आपने झूठ चीजें पोट्रे करी, तो इस बेसिस पर उन्होंने क्लियरली हाई कोर्ट ने उसका रिवर्स कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली कि नहीं, फाइनल जजमेंट जो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो ये चीज बोल रहे हो कि एज पर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो अपील करने के लिए टाइम पीरियड डिसाइडेड था उसमें अपील नहीं की गई, तो उनका बोलना ये था कि नहीं, इस टाइप के केसेस में अपील के लिए कोई लिमिटेशन एक्ट की बात नहीं की जाएगी, एज पर सेक्शन 29 सब क्लॉज 3 जो सेविंग प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट का वो बहुत क्लियरली ये चीज बात कर रहा है, या फैमिली कोर्ट एक्ट का वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि नहीं, इन द केसेस ऑफ डायवोर्स यहां पर लिमिटेशन एक्ट किसी भी किसी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर लिमिटेशन एक्ट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय ऑन 3rd of February 2020 हैज रूल दैट द अपोजिंग पार्टी डज नॉट नीड टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द फैमिली कोर्ट रूलिंग विद द हाई कोर्ट विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज आफ्टर डायवोर्स टू अप्लाई, ठीक है। तो डायवोर्स के बाद रीमैरिज के लिए जो उसके रिस्ट्रिक्शन के लिए जो टाइम पीरियड उन्होंने डिफाइन किया है सेक्शन 15, उसमें कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई हो रहा है तो वो केस फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड डिसाइडेड नहीं है, क्लियर हो रहा है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिमार्क दैट द परमिशन ऑफ द पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेक्शन आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कि द सुप्रीम कोर्ट है, एक तरीके से आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अनलिमिटेड पावर्स है, उनके पास क्या है बेसिकली एज पर सेक्शन 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीजों को मैटर को शॉर्ट आउट करना है एज सून एज पॉसिबल, और उनका जो जजमेंट है या जो उनका जो डिसीजन आएगा वो अप्लाई होगा अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया या जहां तक भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो सब पर अप्लाई होगा। तो उनके पास अल्टीमेट पावर है कि वो फाइनली कोर्ट को केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एज पर सेक्शन आर्टिकल 142, क्लियर है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंडर में पावर अपना यूज किया और यहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि इन द करेंट केस हाई कोर्ट रिवर्स अ कपल मैरिज जो डिसोल्यूशन डिसीजन को उन्होंने जो रिवर्स कर दिया था हाई कोर्ट ने, उसी को उन्होंने एक तरीके से कंटिन्यू कर दिया, क्लियर है, उसको अपहेल्ड कर दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो बोला है वो सही बोला है कि जो इन्होंने फैमिली कोर्ट ने आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था उसको जो रिवर्स किया हाई कोर्ट ने वो सही किया है, उन्होंने फैक्ट्स को चीजों को बहुत तरीके से जज किया है और अपील बिल्कुल फाइल की जा सकती है, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, ठीक है। तो फाइनली ये जजमेंट आया था कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा था कि वो जो अपील फाइल की गई थी वो वैलिड थी, आपने ऑल दो उन्होंने ये भी चीजें बोली हैं कि आपने जो मैरिज किया वो लीगल है, क्लियर है, क्योंकि वो एक लिमिटेशन पीरियड के बाद आप जो बात कर रहे हो आपका जो कंटेंशन था
या जो आपने जिन चीज प्रोसीजर को ऑप्ट किया वो भी सही था, तो लेकिन जो अपील उन्होंने फाइल की थी वो वैलिड थी और उस बेसिस पर चीजों को जज किया जाएगा, तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे, या हाईकोर्ट ने डिसीजन गलत नहीं दिया था। क्लियर हो रहा है? अब हम जंप करते हैं, लेट जंप ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एन राजेंद्रन वर्सेस एस वल्ली विच इज रिलेटेड टू फैमिली लॉ। ठीक है, डाइवोर्स पिटीशन फैक्ट्स बात करते हैं। द एग्रीव्ड अपीलेंट वॉज मैरिड टू द रिस्पॉन्डेंट अंडर द हिंदू लॉज एंड राइट्स एज पर द एप्ट कस्टम्स। तो यहां पर अपीलेंट कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट्स हैं, तो अपीलेंट यहां पर है एन राजेंद्रन हु वाज मैरिड टू द रिस्पॉन्डेंट एस वल्ली अंडर द हिंदू लॉज एंड राइट्स। ठीक है, एंड एज पर एप्ट कस्टम्स, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी हुई थी, दो बोथ आर हिंदू, तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में शादी की थी। एंड अकॉर्डिंग टू अपीलेंट देयर वर सर्टेन डिस्प्यूट बिटवीन हिज सिस्टर एंड रिस्पॉन्डेंट्स ब्रदर, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एस पर द अपीलेंट जो उसने कंटेंशन रेस किया था, जो उसने फैक्ट्स बताए थे, देयर वर सर्टेन डिस्प्यूट बिटवीन हिज सिस्टर एंड रिस्पॉन्डेंट्स ब्रदर, मतलब एस वल्लीज ब्रदर, तो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट थे, हु वर सपोजली मैरिड टू ईच अदर, जिनकी शादी हुई थी जो एन राजेंद्रन की बहन थी और रिस्पॉन्डेंट का भाई था, उनके बीच में शादी थी। ठीक है, विच इवेंचुअली लेड टू अपीलेंट सिस्टर रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स होम। उसके बाद हुआ क्या, कुछ डिस्प्यूट के चलते वो उसकी जो बहन थी, मतलब एन राजेंद्रन की जो बहन थी या एस वल्ली की सिस्टर इन लॉ थी, वो वापस आ गई उन डिस्प्यूट के चलते हुए। क्लियर है? नेक्स्ट, शी वॉज हेजिटेंट टू रिटर्न टू हर हस्बैंड्स हाउस एंड एक्यूज देम ऑफ क्रुएलिटी, एंड अकॉर्डिंगली डाइवोर्स पिटीशन वॉज फाइल्ड ऑन 5/3/2001 सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसके चक्कर में कुछ इश्यूज आने, शी वॉज हेजिटेंट टू रिटर्न टू हर हस्बैंड हाउस, हस्बैंड हाउस वो नहीं लौटना चाह रही थी, एंड अक्यूज देम ऑफ क्रुएलिटी, वो ये बोल रही थी कि भाई कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, क्रुएलिटी का उसने वो लिया था, रीजन दिया था डाइवोर्स पिटीशन के लिए, और उसके बाद डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई। कब हुई? 5th of March 2001 सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, के मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सब्सिक्वेंटली द फैमिली कोर्ट अलाउड द पिटीशन बाई इट्स डिक्री ऑन 23rd of July 2004। क्लियर है? कॉन्सिक्वेंट टू दिस एन अपील वॉज फाइल्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट बिफोर मद्रास हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। अब ये चीज समझना, ठीक है, यहां पर उनके तो एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई थी बहन और भाई के बीच में, इन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी सब्सिक्वेंटली, और उनकी डिग्री को कब अलाउ किया गया फैमिली कोर्ट में? 23rd of July 2004 में। किसकी किसकी बात हो रही है? जो ये पहला केस है जो फाइल किया गया था एन राजेंद्रन वर्सेस एस वल्ली, फैमिली कोर्ट में हुआ था, किसने फाइल किया था? एन राजेंद्रन ने, ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, इसने भी केस फाइल किया था किसके अगेंस्ट में? अपनी वाइफ एस वल्ली के अगेंस्ट में, जो कि ये मेन केस है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसके जो सिस्टर थी राजेंद्रन की और उसका जो ब्रदर था एस वल्ली का, वो भी डिस्प्यूट में था, तो वो एक अलग चीज है, वो बस एक ये एक रिलेटेड फैक्ट बनेगा कि हाँ उनके चलते भी कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे इनकी लाइफ में, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, द अपीलेंट कंटेंडेड दैट द सिंस द पीरियड ऑफ फाइलिंग एन अपील बाय द रिस्पॉन्डेंट। अच्छा हाँ, इसमें और क्या था कि उसके बाद हुआ क्या कि जब फैमिली कोर्ट ने पिटीशन फाइल की गई, तो उसके बाद जब डिसीजन उसकी फेवर में आया एन राजेंद्रन के फेवर में, तो वल्ली ने क्या करा कि एक इस पर सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उन्होंने केस फाइल कर दी, अपील फाइल करी कहां पे? मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है, द अपीलेंट कंटेंडेड दैट सिंस द पीरियड ऑफ फाइलिंग एन अपील बाय द रिस्पॉन्डेंट हैज लैप्स्ड फॉलोइंग विच ही रीमैरिड ऑन 31st of October 2004। ठीक है, तो जो अपीलेंट है यहां पर वो क्या बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्डेंट ने अपील फाइल की थी वो लैप्स हो जानी चाहिए थी, ठीक है, या वो एज पर लॉ नहीं थी, फॉलोइंग विच जिसके चलते उसने दोबारा शादी करी, रीमैरिज करी 31st of October 2004 को ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन डेटेड ऑन 23rd of July 2004। जो 23rd of July 2004 को जो डिसीजन आया था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहां पर फैमिली कोर्ट ने इनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था, इन्हें डिग्री ग्रांट कर दी थी डाइवोर्स की, उस बेसिस पर इसने 31st of October को दोबारा शादी कर ली। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर किसी को जो अगर कोई बंदा डाइवोर्सी है तो वो उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो रीमैरिज कर सकता है, वो रीमैरिज उसने रीमैरिज करी। क्लियर है? कब? 31st of October को। फर्दर ही वॉज सर्व विद अ नोटिस इन द मैटर इन May 2005। उसके कुछ करीब 7 से 8 महीने बाद इन May 2005 द रिस्पॉन्डेंट एट फाइल्ड अ पिटीशन सीकिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडो मैरिज एक्ट। अब इन्होंने एक पिटीशन भी फाइल करी है, ठीक है, कौन सी? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स।
ऑब्वियसली बात है, जब हम एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 क्या बात कर रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि अगर बिना किसी वैलिड ग्राउंड के, बिना जुडिशियल सेपरेशन के, बिना डाइवोर्स के अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहते हैं, तो उनमें से जो एग्रीव्ड पार्टी है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, कि जो भी राइट्स मैरिज से रिलेटेड हैं, जो भी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, जो भी आपको एक बर्डन है आपके ऊपर, तो वो आपको फुलफिल करना है, वो आपका जो रोल है आफ्टर मैरिज वो आपको फुलफिल करना है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। अगर आप साथ में नहीं रह रहे हो, आपकी शादी हुई उसके बाद आप उठ के चले गए, कहां हम अपने घर जा रहे हैं, या आपने अपने वाइफ से बोल दिया अपने घर चले जाइए, ठीक है। अगर आप कोहेबिट नहीं कर रहे हैं, जो मेन रीजनिंग होती है शादी की, कि भाई आपको कोहेबिट करना है, फैमिली को आगे ले जाना है, जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनके साथ नहीं आगे बढ़ रहे हो, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, आप सीख कर सकते हो कि वो बंदा आए हमारे साथ रहे, अदरवाइज वो एक वैलिड ग्राउंड दे, एक जस्टिफिकेशन दे, या तो आप डाइवोर्स ले लो, ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहते हो रीजनिंग देके, अदरवाइज आप आके साथ में रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी मैरिज को बहुत ही पायस नजरों से देखती है, बहुत ही पवित्र नजरों से देखती है, वो ये चाहती है कि यार ये मैरिज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाता है और हमारी सोसाइटी में उसको अच्छा मानते हैं, इसलिए उसका प्रोटेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी प्रॉपर रनिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। तो यहां पर यही हुआ, उन्होंने रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल पिटीशन फाइल कर दिया एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। द लर्न काउंसिल फॉर द अपील एंड कंटेंडेड दैट द हाई कोर्ट मेड एन ऑब्वियस एरर इन ओवरटर्निंग द फैमिलीज कोर्ट डिसीजन, ठीक है। तो जब अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने क्या करा, उसका डिसीजन रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि फैमिली कोर्ट ने जो 23rd of July 2004 को जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ग्रांट करी थी, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, ये डाइवोर्स ग्रांट नहीं हो सकता है। जब डाइवोर्स ग्रांट नहीं हो सकता है, तो भाई अगला बंदा तो शादी कर चुका है, ठीक है। वो किस बेसिस पर शादी की थी, कि उसको डिग्री मिल चुकी थी डाइवोर्स की, ठीक है। तो यहां पर उनके जो काउंसिल थे, जब सुप्रीम कोर्ट में अपील उन्होंने फाइल करी, यही कंटेंट किया उन्होंने, दैट हाई कोर्ट मेड एन ऑब्वियस एरर इन ओवरटर्निंग द फैमिली कोर्ट डिसीजन एंड दैट ही वुड असर्ट दैट द रिस्पॉन्डेंट वॉज गिल्टी ऑफ मैरिटल क्रुएलिटी एंड दैट आफ्टर असेसिंग द एविडेंस द ट्रायल कोर्ट मेड अ फाइनल डिसीजन रेशनलाइजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मैरिज। उनका बहुत क्लियरली बोलना यह था कि आफ्टर असेसिंग द एविडेंस, कि भाई जो एस वल्ली है वो मैरिटल क्रुएलिटी का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एविडेंसेस उन्होंने सबमिट किए थे वो पूरे तरीके से बता रहे थे हाँ ये चीजें थी, इस बेसिस पर ट्राइकोल मेड अ फाइनल डिसीजन रेशनलाइजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मैरिज। उन्होंने मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि हाँ भाई डाइवोर्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल क्रुएलिटी। क्लियर हो रहा है। आफ्टर दैट फर्दर मोर लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट ऑल्सो कंटेंटेड दैट द ट्रायल कोर्ट फाउंड बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट टेंशन बिटवीन द रिस्पॉन्डेंट द अपीलेंट सिस्टर हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द अपीलेंट एंड द रिस्पॉन्डेंट। क्लियर हो रही है कि यहां पर जो काउंसिल थे अपीलेंट के, उन्होंने ये चीज बोली कि ये जो ट्रायल कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो राजेंद्रन की सिस्टर थी और जो एस वल्ली जो उसकी वाइफ थी राजेंद्रन की, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे जिसके चलते एस वल्ली सीन क्रिएट कर रही थी और वो अपने घर चली गई उनको छोड़ के। क्लियर है। तो और लेकिन बाद में हाईकोर्ट में ये चीजें क्या इन्होंने शो करी, क्या नाम है आपका, एस वल्ली ने ये फैक्ट्स जो बता रही थी कि इनका बोलना ये था कि नहीं, ये अपनी मर्जी से नहीं गई थी छोड़ के, इनको किसने भेजा था, इनके फादर इन लॉ मतलब एन राजेंद्रन के फादर ने अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी बहू को कहां छोड़कर आए, उनके घर छोड़कर आए, वो क्यों गई थी, क्यों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थे और बेबी को डिलीवर करने के लिए, उनकी डिलीवरी के टाइम पर कि उनकी केयर प्रॉपर हो पाए, और वो किसी एक सिकनेस से, मॉर्निंग सिकनेस करके एक इशू था जो उन्होंने अपने हाईकोर्ट के अपील में उसका डिस्कशन किया था कि हम मॉर्निंग सिकनेस से वो हैं, एक तरीके से हमको प्रॉब्लम हो रखी है, इस चक्कर में अपने घर गए हैं और वहां पर हम डिलीवरी के बाद आएंगे। लेकिन उस पर एन राजेंद्रन का बोलना यह था कि उस बीच में हम बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि हमें वो
मिलने नहीं दिया गया, हमारे पास राइट्स नहीं थे ना, वो मिलना चाहती थी, और उनको बच्चे बच्चा हो भी गया जो बेबी बॉय बॉर्न हुआ था, ठीक है, उसको भी नहीं देखने दिया, और इवन जो फर्स्ट बर्थडे था उसकी सेरेमनी थी उसमें भी उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो कुल मिला के ये बहुत क्लियरली वो बताना चाह रहे थे कि क्लियर इंडिकेशन था कि वो किसी भी तरीके से उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, कोप अप नहीं करना चाहते थे किसी भी तरीके से, ठीक है। और जबकि हाईकोर्ट में जब अपील फाइल करी एस वल्ली ने, वाइफ ने, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो आना चाहते थे, ये बुला ही नहीं रहे, हम तो इसलिए लाना चाहते हैं, क्लियर है। तो हाईकोर्ट ने उस केस को रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हाई कोर्ट को ये लगेगा, किसी भी कोर्ट को ये लगेगा कि कोई भी चांसेस हैं मैरिज को दोबारा से रिस्टेब्लिश करने के लिए, या हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट से कोई कंफ्यूजन हो गया हो, तो कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहेगी कि वो मैरिज को डिसॉल्व करे, क्लियर हो रहा है। तो ये इंटेंशन थी हाई कोर्ट की। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द अपीलेंट्स एक्सपीरियंस काउंसिल क्लेम दैट द रिस्पॉन्डेंट वुड थ्रेटन टू कमिट सुसाइड, और जो एस वल्ली थी वो बार बार सुसाइड कमिट करने की भी धमकी देती थी, ठीक है। ये चीज उन्होंने फैमिली कोर्ट के टाइम पर भी ये चीज बोली थी, जब इसी बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने इनको आपका जो डाइवोर्स है वो ग्रांट किया था। क्यों? क्योंकि ये सुसाइड कमिट करने की ये धमकियां दे रही थी, ये थ्रेट कर रही थी उसको, ठीक है। तो ये भी मैरिटल क्रुएलिटी, ये मेंटल टॉर्चर में कंसीडर किया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि केवल एक हस्बैंड ही क्रुएलिटी कर सकता है, वाइफ और वाइफ भी कर सकती है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो ये क्लेरिफिकेशन के लिए बहुत सही चीज है कि अगर आपको कोई मेंटल टॉर्चर कर रहा है तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, वो भी क्रुएलिटी में कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पर वही चीज बोली, फर्दर मोर द अपीलेंट्स स्किल काउंसिल वोट आर्ग्यूड दैट नॉट विद स्टैंडिंग द अपीलेंट्स प्ली फॉर द रिस्पॉन्डेंट टू रिटर्न, द रिस्पॉन्डेंट रिफ्यूज, ठीक है, कि अपीलेंट ने जो भी रिस्पॉन्डेंट से बोला कि भाई आप आ जाओ, राजेंद्रन ने बोला कि आप आ जाओ, वापस आ जाओ, चीजें कर लो, लेकिन नहीं, कंटिन्यूअसली ये डिनाइल डिनाइल मोड पे रही, डिनाई करती रही। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये फैमिली कोर्ट में सारे इफेक्ट्स रखे गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में जो एस वली थी उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो बहुत अलग थे। उनका ये बोलना था कि नहीं, हम तो आना चाहते थे, इतनी सब चीजें थी। तो इस बेसिस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन को रिवर्स किया। तो इन्होंने यही चीज बोली कि फिर अब इनके काउंसिल ने एन राजेंद्रन के जो के अपीलेंट थे यहां पे, उन्होंने बोला कि यार उन्होंने बोला बराबर कि आप आ जाओ, नहीं आए, बट शी डिक्लाइन क्लेमिंग दैट शी नीडेड मोर टाइम सिंस शी हैड गॉन टू बर्थ अ किड, शी हैड आस्क्ड फॉर अ 5 मंथ एक्सटेंशन, ठीक है। उन्होंने जब उनसे जितनी बार पूछा था कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मुझे 5 महीने का और एक्सटेंशन चाहिए, मुझे बेबी को डिलीवर करना है, उसकी डिलीवरी तक मैं रुकूंगी, उसके बाद वो चीजें बढ़ती चली गई और वो वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द इनकंसिस्टेंसीज इन द कंटेस्टेड जजमेंट इन दिस रिगार्ड ही वुड कंपेयर द रिजल्ट दैट नो सच टेंशन एग्जिस्टेड विद द कंक्लूजन दैट द फैमिलीज कनेक्शन वॉज स्ट्रेंड, क्लियर है। तो उनका बोलना यह था कि जो जजमेंट पास किया गया उसमें उन्होंने माना कि ऐसा कोई टेंशन था ही नहीं, क्लियर है, जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया। तो यहां पर जो इनके काउंसिल है वो ये फैक्ट्स को बता रहे हैं, ये वो कंटेंशन रेज कर रहे हैं। द रिस्पॉन्डेंट रिफ्यूज टू रिसाइड विद द अपीलेंट एट एनी टाइम, जबकि रिस्पॉन्डेंट ने जो कि एस वल्ली है, यहां पर मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं पार्टीज का क्योंकि जब आप ये केस पढ़ोगे कहीं और आपको इतना कंफ्यूजन होगा कि कौन अपीलेंट है, कौन रिस्पॉन्डेंट है, किसकी बात हो रही है यहां पर, उनके सिस्टर की बात हो रही है, ब्रदर की बात हो रही है, तो हमें नहीं कंफ्यूज होना है। मैं हर बात पर, हर जगह पर आपको इसलिए नाम ले रहा हूं कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट है वो हमारे एन राजेंद्रन है, और जो रिस्पॉन्डेंट है वो कौन है, एस वल्ली है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट से डिसीजन किसके फेवर में आया था, एस वल्ली के फेवर में आया था, क्लियर है। तो उन्होंने ये चीज बोली सुप्रीम कोर्ट में, द रिस्पॉन्डेंट रिफ्यूज टू रिसाइड विद द अपीलेंट एट एनी टाइम, उन्होंने बहुत क्लियरली मना कर दिया कि नहीं भाई, हम आपके साथ नहीं रह सकते। द हाई कोर्ट डिसीजन दैट द रिस्पॉन्डेंट वॉज ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू रिज्वाइन हैज बीन क्वेश्चन एज फैक्चुअल अनसाउंड, क्लियर हो रहा है। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो क्या बोल रहा था कि रिस्पॉन्डेंट मतलब एस वल्ली हमेशा विलिंग थी, हमेशा तैयार थी वापस आने के लिए। मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी कोर्ट को ये लगता है कि एट एनी पॉइंट कि वो रीस्टैब्लिश कर सकते हैं किसी मैरिज को, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, और अगर किसी कोर्ट ने डिग्री ग्रांट करी है, ठीक है, तो वो उसको रिवर्स करेंगे, उस जजमेंट को रिवर्स करेंगे, और ये बोलेंगे कि हाँ भाई, आपकी जो मैरिज है या जो डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट हुई थी वो गलत है, उसको हम क्वेश्चन डाउन कर रहे हैं, और आपको हम दोबारा से एज अ मैरिड कपल
मतलब डिसाइड करेंगे वो या अनाउंस करेंगे वो, ठीक है। तो जो जजमेंट हाई कोर्ट से आया तो उन्होंने बोला कि भाई ऑलवेज रेडी है और आप जाके ज्वाइन करिए, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। जो कंटेंशन रेज किया था उसको उन्होंने सबको साइडलाइन कर दिया हाई कोर्ट ने। लर्न काउंसिल फ्रॉम द अपीलेंट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द आउट टू द फैक्ट दैट इट वॉज 22 ईयर सिंस दे आर लिविंग अपार्ट एंड रिस्टोरिंग द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज वॉज ओनली अ लीगल फिक्शन। क्लियर हो रहा है। उन्होंने बोला कि यार ये केस कहां से चल रहा है, 2001 से चल रहा है, ठीक है, 2022 में बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये 22 साल हो चुके हैं जब से वो लोग अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो जो केस फाइल किया गया था उससे बहुत पहले से ही लोग अलग अलग रह रहे थे, ठीक है, करीब 1-2 साल पहले से। क्या कंटेंशन रेज किया, द फैक्ट दैट इट वॉज 22 ईयर सिंस दे आर लिविंग अपार्ट, कौन कौन, एन राजेंद्रन एंड एस वल्ली, एंड रिस्टोरिंग द सेंक्टिटी ऑफ मैरिज, के मैरिज को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, ये एक लीगल फिक्शन है, ये इल्यूजन है, ये आपके दिमाग में चल रहा है बस, हो नहीं सकता है। 22 साल हो गए किसी को अलग अलग रहते हुए है, कैसे पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो वापस आके रहने लगेंगे, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी मैंडेट बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से उसको नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है प्लीज उसको आप कंसीडर करिए और उनको रिवर्स करिए और हमें डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करिए, ठीक है। सो इट वॉज कंटेंडेड बाय द लर्न काउंसिल दैट द हाई कोर्ट डिसीजन मस्ट बी ओवरूल्ड एंड द रिस्पॉन्डेंट अपील फाइल्ड अंडर 19 वॉज आउट ऑफ द टाइम विंडो प्रेस्क्राइब बाय द लिमिटेशन एक्ट एंड सेम इज नॉट सस्टेनेबल। तो उन्होंने बोला कि जो अंडर 19 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो उन्होंने अपील फाइल की थी रिस्पॉन्डेंट इन द हाई कोर्ट, उसको आप क्या करें, ओवरूल करिए उनके डिसीजन को, और जो अपील फाइल की थी उसको आप, वो लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजन को फॉलोअप नहीं कर रहा था, मतलब वो आउटसाइड द लिमिटेशन एक्ट हो गया, ये लिमिटेशन पीरियड के बाहर जाके उन्होंने अपील फाइल करी। ये चीज हमने पढ़ी है कि अगर कोई भी चीज लिमिटेशन पीरियड के बाहर जाके फाइल होगी तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, क्लियर हो रहा है। सो द सेम इज नॉट सस्टेनेबल। तो उन्होंने क्या बोला कि ये उसकी विंडो के बाहर है तो इसको हम किसी भी तरीके से डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये थे इसके फैक्ट्स, ये जो उन्होंने कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट दिए थे अपीलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले प्रोविजन क्वेश्चन में आया था वो आया था सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956। तो सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बात कर रहा है, स्टेट दैट व्हेन अ मैरिज इज डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, जहां पर डिक्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट कर दी गई है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड आइदर देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट द डिक्री। या तो हो सकता है कि उस डिक्री के अगेंस्ट में राइट टू अपील हो ही ना, अगर है, इफ देयर इज द पीरियड फॉर अपीलिंग हैज लैप्स्ड, तो जो पीरियड था अपील करने का वो लैप्स हो चुका है विदाउट एन अपील बीइंग फाइल्ड, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी लेकिन आपने अपील फाइल नहीं करी, ठीक है, और एन अपील हैज बीन फाइल्ड बट डिसमिस, या अगर कर दिया आपने अपील तो अपील को डिसमिस कर दिया गया। इट इज अ लीगल फॉर आइदर पार्टी टू द मैरी टू द मैरिज टू मैरी अगेन। तो जो भी पार्टीज थी जिनके बीच में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ था, डाइवोर्स डिग्री वो हुई थी, तो वो आपस में शादी कर सकते हैं या दोबारा शादी कर सकते हैं, क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा शादी करने के लिए एलिजिबल हो गए, अब आप करो जिससे करनी हो शादी। तो सेक्शन 15 बहुत क्लियरली ये चीज बोल रहा है, क्लियर है। अब आ जाते हैं, तो यहां पर सेक्शन 15 क्वेश्चन में आया था, उन्होंने ये चीज बोली थी कि सर जो डिग्री फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड था वो खत्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में अपील फाइल करी जो कि एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जी किसने करा था, जो अपीलेंट था एन राजेंद्रन जो थे, हुई इज अपीलेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कंटेंशन रेज किया था। नेक्स्ट प्रोविजन इज आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है हमारे पास, तो बहुत ध्यान से सुनना। आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। तो कंप्लीट जस्टिस मतलब पूरी तरीके से केस को रिजॉल्व करना है, डिसाइड करना है, और जितनी भी चीजें सबको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये उनके पास अल्टीमेट पावर है कि वो इन चीजों को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, जो भी मैटर उनके सामने पेंडिंग है, ठीक है। एंड सच डिग्री और ऑर्डर शैल बी इन्फोर्सिबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि हमने बोला था कि वो जो ऑर्डर होगा वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड एनी सच डिग्री और इन्फोर्सिबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड अंटिल सच प्रोविजन इज मेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बाय ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई नया ऑर्डर पास हुआ या कोई जजमेंट पास हुआ, उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई ये थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, अगर उससे रिलेटेड लॉज हैं, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है तो ठीक है, उस पर उस बेसिस पर होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो प्रेसिडेंट से
प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर आएगा उस बेसिस पर आप उसको चलाएंगे, अल्ले जब तक कि पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बना देता। क्लियर हो रहा है? अगला क्या बोल रहा है, सेक्शन 1229 सब क्लॉज 2 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, सेक्शन 12 रीड विद द सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट विल नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल मैट्रिमोनियल अपील अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। बेसिकली मैं आपको इन जनरल बताता हूं कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 29 क्या बात कर रहा है, या सेक्शन 12 जो क्वेश्चनिंग में आया है वो ये बस यही चीज बात कर रहा है कि आप किसी भी जो लिमिटेशन एक्ट है उससे आप चीजों को उसके एम्बिट से बाहर नहीं ले जाएंगे। लिमिटेशन पीरियड के अंदर आपको केस फाइल करनी है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि सेविंग प्रोविजन जब आप पढ़ोगे लिमिटेशन एक्ट का, तो वो बहुत क्लियरली स्टेट कर रहा है कि आप इन द केसेस ऑफ डाइवोर्स अगर आप पिटीशन फाइल करते हो, अपील फाइल करते हो, तो उस केसेस में लिमिटेशन पीरियड जो है वो अप्लाई नहीं होगा, वो कैलकुलेट नहीं होगा, तो उस पर ये उसकी एम्बिट से बाहर हो जाता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टेट्स दैट एनी मैरिज दैट वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ दिस एक्ट मे बी डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स बेस्ड ऑन अ पिटीशन ब्रॉट बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बहुत क्लियरली बात कर रहा है कि जो इससे पहले हुआ है कोई भी आपकी सोलेमनाइज मतलब शादी हुई है बिफोर और आफ्टर द इफेक्ट डेट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले या बाद में, मे बी डिजॉल्व बाय द डिग्री ऑफ डाइवोर्स बेस्ड ऑन द पिटीशन ब्रॉट बाय अदर हस्बैंड और वाइफ। कोई भी लेकर आए उसको हम इसके अंदर में डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे। कुछ प्रोविजन थे जो इससे रिलेटेड थे, अब हम बात करते हैं बेसिकली जजमेंट क्या रहा है। ठीक है, जजमेंट के हमारे पास थोड़े से पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द कंटेंशन मेड द अपीलेंट रिगार्डिंग द मैटर रिवर्सिंग द डिग्री ऑफ द फैमिली कोर्ट डू नॉट हैव सफिशियंट मेरिट। तो उसका बोलना यह है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंटेंशन रेस किया है अपीलेंट ने, मतलब एन राजेंद्रन ने या उनके काउंसिल ने, कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, जो डिग्री ग्रांट करी थी फैमिली कोर्ट ने उस पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन रिवर्स कर दिया था, तो वो जो अपील हमने फाइल की है तो उस मैटर को देखा जाए, उसको रिवर्स किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि आपके पास सफिशियंट मेरिट्स नहीं है, आपके पास सफिशियंट ग्राउंड नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उनकी चीजों के फेवर में नहीं जा रहा है, अपीलेंट के फेवर में नहीं जा रहा है। वो भी ये चाहता है कि हम चीजों को खुल के बताएं, अपना पार्ट उनके सामने रखें। तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक ये सोच रहा है, क्योंकि उनका भी फेवर यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो मैरिज है वो रीस्टैब्लिश की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि इन्होंने रिवर्स डिसीजन भी रिवर्स नहीं किया और डाइवोर्स भी ग्रांट हो गया। ठीक है, इसलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 142 का पावर यूज करके इस मैटर को फाइनली सेटल किया था। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है अनन्या, प्रोविजंस आपके बहुत इजी हैं, आप प्रोविजंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। मेन जो है वो जजमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इजी जाएंगे, कोई इशू नहीं है, एक बार देखते हैं वापस। ठीक है, लाइक द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पिटीशन इज सबमिटेड इन लेस देन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो पिटीशन फाइल हुआ था अपील का, कहां पे, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, वो विद इन 2 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ मैरिज, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज हो रहा है, हुआ है। ठीक है, अब डेट ऑफ मैरिज का क्या है, यहां पर जो उसकी शादी हुई थी बंदे की, एन राजेंद्रन की। ठीक है, ब्रुटैलिटी में टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड इमोशनल क्रुएलिटी। इन्होंने क्रुएलिटी को भी डिस्कस किया है कि ऐसा नहीं है कि वो वाइफ ये बोले कि नहीं हमने कौन सा इनको मारा पीटा है या इनके ऊपर हमने क्या कर दिया ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी चीज क्लियर की कि ब्रुटैलिटी में टेक मैनी फॉर्म्स, जो ब्रुटैलिटी है वो कई सारे तरीके से हो सकती है, इंक्लूडिंग बहुत फिजिकल एंड इमोशनल क्रुएलिटी। तो यहां पर बेसिकली जो क्रुएलिटी आ रही थी वो मेंटल टॉर्चर था, इमोशनल क्रुएलिटी थी। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी रिजॉल्व बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच इंस्टेंस, हाउएवर वी आर कन्विंस्ड दैट द अपीलेंट्स आर्गुमेंट वाज विदाउट मेरिट बाय एनी स्टैंडर्ड। तो उनका बोलना यह था कि ये जो क्वेश्चन रेज हुआ है इट मस्ट बी रिजॉल्व बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच इंस्टेंस, कि जो हर पॉइंट पर जो चीजें हुई है ना उन बेसिस को देखते हुए हमें चीजों को रिजॉल्व करना है। हम एक चीज नहीं देखेंगे कि हम ये देख लें कि नहीं नहीं क्रुएलिटी हो गई डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए, या हमने देखा कि नहीं नहीं हाईकोर्ट ने देखा कि नहीं यार ये तो तैयार है आने के लिए, विलिंग है, रेडी है वाइफ, तो आप क्या करो, आप वापस रिस्टैब्लिश कर दो मैरिज को। क्लियर हो रहा है? तो एक
एक चीज को नहीं देखना, हमें हर पॉइंट की चीजों को देखना है। तो वी आर कन्विंस्ड, उन्होंने क्या बोला कि अपीलेंट के आर्ग्यूमेंट उतने स्ट्रांग नहीं है जिस बेसिस पे हम चीजों को डिसाइड कर सकें इनके फेवर में, ठीक है। एडिशनली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट द हाई कोर्ट वाज डिटरमाइंड दैट द क्लेम ऑफ क्रुएलिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन द सो कॉल्ड स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पॉन्डेंट अपीलेंट सिस्टर हैज नो वैलिडिटी एट ऑल, ठीक है। इन्होंने ये भी कंटेंशन का रिजेक्ट कर दिया, ये भी जो इन्होंने सिचुएशन बोली थी, अराइज हुई थी इनके सामने, इन्होंने क्या बोला कि हमारे जो वाइफ है, मतलब जो एस वल्ली की जो सिस्टर इन लॉ है या एस एन राजेंद्रन की जो सिस्टर है, उनकी नहीं आपस में बन रही है, मतलब राजेंद्रन की वाइफ और बहन की आपस में नहीं बन रही है, वाइफ और सिस्टर इन लॉ जो उसकी एस वल्ली की हुई उनकी आपस में नहीं बन रही, जिसकी वजह से एस वल्ली छोड़ के चले गए अपने घर, तो वो चीज भी अप्रूव नहीं कर पाए। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बोल दिया कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसके पीछे की कोई रीजनिंग हमें नहीं मिल रही है, क्लियर हो रहा है। तो पॉइंट बाय पॉइंट सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को क्लियर करता जा रहा है। यहां पर क्रुएलिटी उसने माना, हाँ भाई क्रुएलिटी हुई थी, लेकिन आप ये बोलो कि उसको क्या बोलते हैं उसकी सिस्टर इन लॉ और एस वल्ली के बीच में कुछ इश्यूज थे, तो वो आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इन द नेक्स्ट पॉइंट साइमल्टेनियसली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द अपीलेंट क्लेम्स दैट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 15 रिक्वायरमेंट एंड द फैक्ट दैट अपीलेंट रिमैरिड ऑन October 31, 2004 द केस मस्ट बी रिव्यूड एंड डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ सेकंड मैरिज विच इज परफेक्टली लीगल। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि सेक्शन 15 की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से अपीलेंट ने 31st of October को 2004 को शादी करी, द केस मस्ट बी रिव्यूड एंड डिसाइड इन द लाइट ऑफ सेकंड मैरिज। तो जो सेकंड मैरिज है उसके बेसिस पर केस को रिव्यू किया जाए और डिसाइड किया जाए, मतलब कि जो चीजें चल रही हैं एस वल्ली और राजेंद्रन के बीच में वो भी खराब ना हो, उनको भी सेटल डाउन करना है, और दूसरा क्या बात कर रहे हैं कि जो सेकंड मैरिज है वो भी लीगल है तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है चीजों को, हमें समझ में आ रहा है, हमें दोनों चीजों को लेकर चलना है, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन था बहुत क्लियर इस केस में, यही रीजन था कि ये केस लैंडमार्क जजमेंट बना। क्लियर है कि फैमिली कोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाई कोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या भाई फैमिली कोर्ट ने बोला हमें नहीं मतलब डाइवोर्स ग्रांट, हाई कोर्ट बोला नहीं नहीं रिवर्स हो जाएगा ये, तो तैयार है बंदी आने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि ऑल दो उसकी जो मैरिज हो चुकी है दोनों साथ में भी नहीं रहना चाहते हैं, क्लियर है, 22 साल से अलग अलग रह रहे हैं, तो सबको कंटेंशन को सबको मर्ज कर रहा है और उसके बाद एक डिसीजन बाहर आएगा, क्लियर है। इन द नेक्स्ट पॉइंट टू विच द ऑनरेबल हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट अपील वॉज टाइमली फाइल्ड, नोटिंग दैट आफ्टर द डिक्री वॉज इशूड बाय द फैमिली कोर्ट ऑन July 23, 2004 द रिस्पॉन्डेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑन July 31, 2004 एंड द टाइम स्पेंड गेटिंग द डॉक्यूमेंट इज टू बी ओमिटेड। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने अपने अपनी डिसीजन में एक चीज बहुत क्लियर की थी कि जो ये कंटेंशन रेस किया जा रहा था एस एन राजेंद्रन की तरफ से, जो कि हाईकोर्ट में रिस्पॉन्डेंट थे, कि सर ये जो अपील फाइल की गई है ना हाईकोर्ट में, ये अपील आफ्टर द इट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 15, तो सेक्शन 15 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो रहा है। हाई कोर्ट ने क्या बोला कि फैमिली कोर्ट ने जो डिक्री इशू की थी तो 23rd of July 2004 और रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन कब फाइल करी 31st of July 2004, और जो टाइम लगा ना उस डॉक्यूमेंट को लेने में, उस सर्टिफाइड कॉपी को लेने में जो टाइम लगा, ये जो समय बर्बाद हुआ उसको उन्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हो तो हमें पता होता है कि अभी कौन कौन सा टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करना है, वो हमें हटाना है, क्लियर हो रहा है। तो उनका बोलना रहता है टाइम स्पेंट गेटिंग द डॉक्यूमेंट इज टू बी ओमिटेड, होने चाहिए वो, क्लियर है। तो हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि जो अपील थी ना वो विद इन टाइम लिमिट फाइल की गई थी, यार डिसीजन आ गया लेकिन सर्टिफाइड, बिना सर्टिफाइड कॉपी के आप नहीं अपील फाइल कर सकते, समझ में आ रही बात। तो हाई कोर्ट में आप जो अपील फाइल करनी थी या जो की गई थी वो सर्टिफाइड कॉपी के साथ ही होनी थी, तो उसके लिए उसको इशू करने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी वो भी विद इन टाइम पीरियड की दी गई थी, और जो सर्टिफाइड कॉपी आई तो डिसीजन से लेके सर्टिफाइड कॉपी इशू होने तक का जो टाइम पीरियड था ना वो उसको ओमिट कर रहे हैं, वो उसको हटा रहे हैं, वो उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर उसको हटा दिया जाए तो अपील फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है वो उसके अंदर ही अपील फाइल की गई थी, क्लियर है। तो एक पॉइंट भी क्लियर हो गया कि उन्होंने बोल रहे थे अपील फाइल नहीं हो रही है, ठीक है। इन द नेक्स्ट पॉइंट
अपॉन सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ऑफ दिस सबमिशन मेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट दैट गिवन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट विच इज सेक्शन 1929 सब क्लॉज 3 वुड अप्लाई एंड द लिमिटेशन एक्ट वुड नॉट अप्लाई। तो उनका बोलना यह था कि अपीलेंट ने जो रिक्वायरमेंट दी थी या जो उन्होंने अपॉन द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ऑफ द सबमिशन मेड बाय द लर्न काउंसिल जो भी चीजें उन्होंने सबमिट करी अपीलेंट ने, अपीलेंट के काउंसिल ने, तो उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने ये चीज बोली कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 19 और 29 सब क्लॉज 3 जो कि इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो उन्होंने उस चीज को माना और लिमिटेशन एक्ट वुड नॉट अप्लाई, बहुत क्लियरली बोल दिया कि लिमिटेशन एक्ट इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। बिकॉज द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई, द रिस्पॉन्डेंट कैन नॉट रिमूव द टाइम स्पेंड अप्लाइंग फॉर रिसीविंग अ सर्टिफाइड कॉपी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, तो कुल मिला के लिमिटेशन पीरियड को हटाना या जो भी चीजें कर रहे हैं, तो लिमिटेशन एक्ट उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि लिमिटेशन एक्ट को हम अप्लाई नहीं करेंगे। जब चीजों को सबमिशन जब हुआ तो उनका बहुत क्लियरली हिसाब किताब था कि भाई सेक्शन 19 और 29 सब क्लॉज 3 को आप लेके चलो, जहां पर वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि डाइवोर्स रिलेटेड चीजों पे सेविंग प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो वो अप्लाई नहीं हुआ। लाइकवाइज द ऑनरेबल कोर्ट प्लेस रिलायंस ऑन द केस ऑफ शिप्रा डे वर्सेज अजीत कुमार डे 1988। इन द केस, इन दिस केस द कोर्ट हैज गिवन द रेशनल फॉर द चेंज दैट वॉज ब्रॉट अबाउट इन द प्रोविजन सेक्शन 29 सब क्लॉज 3 इन द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो उन्होंने जो सेक्शन 29 सब क्लॉज 3 की जो उन्होंने रीजनिंग दी थी वो यहां पर इस कोर्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 29 सब क्लॉज 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को लेकर बात करी थी कि भाई जो प्रोविजन हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं इन द केस ऑफ मैरिज और डाइवोर्स। क्लियर है? Further, the court held that it would be not in the best interest of justice to the parties because matrimonial problems like restoration of conjugal rights, divorce and guardianship are by their very natural matters for which a statute of limitation may not be appropriate. ठीक है, तो यार जजमेंट में हमें बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आती है कि कोर्ट की इंटेंशन क्या है। तो कोर्ट ने ये चीज बोली इट वुड नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो कोर्ट का मेन इंटेंशन ये था कि जो डिसीजन आए वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में हो, दूसरी चीज पार्टी सेटिस्फाई हूं और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बना रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कब होगा, जब हम स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लिमिटेशन के जो स्टैच्यूट है या लिमिटेशन पीरियड जो बात कर रहा है या लिमिटेशन एक्ट जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है ना, अगर हम उन चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो यहां पर जस्टिस सर नहीं हो पाएगा, तो वो इंटरेस्ट में नहीं आएगा। क्लियर है? प्लीज इसका डिसीजन ध्यान से सुनना कि फाइनली कोर्ट ने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट तो चलो ठीक है ही है जो है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो कोर्ट ने क्या बोला कि हमें थोड़ा सा चीजों को मोल्ड करना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा ऑन द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, तब हम जाकर इंटरेस्ट सॉरी जस्टिस सर्व कर पाएंगे। क्लियर है? फर्दर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ फ्री कॉपी मे बी प्रोवाइडेड इज रिक्वायर्ड बाय द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। तो उनका बोलना यह था कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंडर में वो क्या बोलता है कि जो फैमिली कोर्ट से डिसीजन हुआ था जजमेंट आया था कि डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया था जो, ठीक है, इनिशियली, तो वहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी थी ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए। तो ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट बोलता है। एज अ हाई कोर्ट नोटेड बट इट इज फार क्राई फ्रॉम रूलिंग दैट एन अपील कैन बी हर्ड विदाउट अ सर्टिफाइड कॉपी। लेकिन ये नहीं पॉसिबल था कि जो सर्टिफाइड कॉपी के बिना हाई कोर्ट अपील को एंटरटेन कर लेता। ठीक है, वो तो ये पूछता ना भाई कि हमें आप ये बताइए सर्टिफाइड कॉपीज कहां पर डिफाइन है, किसी को आइडिया है? सर्टिफाइड कॉपीज आप एज पर सेक्शन 76 जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर्टिफाइड कॉपीज कहां से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, उनकी प्रूविंग कैसे होती है। तो सेक्शन 76 77 बात कर रहा है टॉकिंग अबाउट सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, और सर्टिफाइड कॉपीज को हम एज अ सेकेंडरी एविडेंस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बात करेंगे एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कौन सा सेक्शन बात कर रहा है हमारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है 61 से। तो वहां पर जब आप सेक्शन 62 और 63 में आप चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एज पर सेक्शन डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो सेकेंडरी प्राइमरी एविडेंस से हमें सारी चीजें प्रूव करनी है, सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपीज लगती है। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपीज होती है
किसी भी जजमेंट की, किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल माना जाता है। क्लियर है? तो यही चीज बोल रहा है कि बिना सर्टिफाइड कॉपीज के आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? वी आर अगेन बोल्स्टर्ड इन दिस रिगार्ड बाय रूल प्रोमलगेटेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, टू पुट इन अनदर वे, द फैमिली कोर्ट एक्ट इज नॉट अ स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अकेला नहीं है फैमिली कोर्ट एक्ट, ठीक है? तो हिंदू मैरिज एक्ट इसको नॉरिशमेंट दे रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ में खड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो जैसे हम जेजे एक्ट की बात करते हैं ना, तो जेजे एक्ट अकेला नहीं, आईपीसी खड़ा हुआ है ना साथ में, सीआरपीसी सपोर्ट कर रहा है ना उसको साथ में। तो वही चीज बोल रहा है कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो किसके फेवर में है। यह समझना, एविडेंस एक्ट, हम सर्टिफाइड कॉपीज की बात कर रहे थे एविडेंस एक्ट के। क्लियर है? एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शन है सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 76 बात कर रहे हैं, 77 बात कर रहा है, सर्टिफाइड कॉपीज कैसे निकाली जाएंगी, कैसे प्रूफ करनी है सर्टिफाइड कॉपीज के कंटेंट को, ठीक है, एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है? तो इस डिसीजन में क्या बोल रहा है, टू पुट इन अनदर वे द फैमिली कोर्ट, अकेला नहीं है, इसके साथ हिंदू मैरिज एक्ट काम करता है, इसको प्रोवाइड करता है नॉरिशमेंट, मतलब सपोर्ट देता है। दिस इज बिकॉज आफ्टर फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, पिटीशन विद इन द मीनिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर एग्जाम्पल हैज टू बी डील्ड बाय द फैमिली कोर्ट बेस्ड ऑन द हिंदू मैरिज। सारी चीजें जो फैमिली कोर्ट हुई एस्टैब्लिश वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में चीजें काम कर रही थी। तो कुल मिला के इनकी बीच में जो भी चीजें हैं, ये बोथ द एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, बोथ आर रिलेटेड एंड एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते। तो उनका बोलना ये है कि अकेला नहीं है फैमिली कोर्ट एक्ट जिसके बेसिस पर चीजें डिसाइड कर दी जाएंगी, हिंदू मैरिज एक्ट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? द ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर बिकॉज बोथ एपिलेंट रिस्पॉन्डेंट हैव बीन लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखना। लास्ट पॉइंट, द ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर बिकॉज बोथ एपिलेंट एंड रिस्पॉन्डेंट हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर 22 ईयर्स। वही मेन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं कि जो दोनों 22 ईयर्स से अकेले रह रहे थे, दे बोथ आर लिविंग सेपरेटली फॉर 22 ईयर्स एंड फर्दर कोहबिटेशन वर नॉट पॉसिबल एट ऑल बाय दैट आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनक्वेश्चनेबली वेस्ट दिस कोर्ट विद अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर दैट प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू द पार्टीज। ठीक है? तो जब 22 साल से आप अकेले रह रहे हो, कोई किसी भी कोहबिटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 के अंदर अपने पावर को यूज करते हुए उन्होंने पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना, मतलब एक जो हस्बैंड है एन राजेंद्रन, उसकी शादी हो चुकी है, किसमें, किस वजह से, कि उसने उसकी डाइवोर्स की डिग्री उसको ग्रांट हो गई थी, उस बेसिस पर उसने रीमैरिज करी, तो उसकी शादी को भी उनको देखना था, और जो हस्बैंड वाइफ थे एस वल्ली और एन राजेंद्रन वो साथ में नहीं रह रहे थे, तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई उनको साथ में 22 ईयर से नहीं रहे थे, तो आगे उन्हें, मतलब वो उन्हें नहीं उन चीजों को कंटिन्यू करना है, तो उस चीज के लिए कोर्ट ने कोई भी चीजें नहीं करी। उनका बोलना ये था कि आप अलग रहें और उनकी शादी को वैलिड माना। द थॉट ऑफ एन इरिवर्सिबल मैरिज ब्रेकअप कम्स टू माइंड, तो कोर्ट के दिमाग में बहुत क्लियर थी कि इस मैरिज को दोबारा से स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, ये मैरिज खत्म हो चुकी है। प्लीज, क्लियर है? तो लास्ट पॉइंट, दस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अफर्म द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने अपहेल्ड किया, उसको कंटिन्यू रखा, अफर्म कर दिया, एंड रिफ्यूज टू ग्रांट अ डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन आउट ऑन द सब्सिक्वेंट ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। लेकिन उन्होंने ये भी ये चीज बोली कि हम क्रुएलिटी के बेसिस पर जो आपका डाइवोर्स है या डाइवोर्स की डिग्री हम ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है? तो हाईकोर्ट की चीजों को उन्होंने माना एंड कंक्लूसिवली डिक्लेयर द मैरिज बिटवीन द अपीलेंट एंड रिस्पॉन्डेंट एज डिसॉल्व फर्दर डिस्पोजिंग ऑफ द अबव अपील। तो उन्होंने यह भी बोला कि हम क्रुएलिटी के ग्राउंड पे नहीं देंगे, लेकिन हम उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं कि जो दोनों पार्टीज हैं वो लाइबल नहीं है किसी भी सूरत में, यहां पर क्रुएलिटी की चांसेस नहीं थे, लेकिन इसको डिसॉल्व मान लिया जाएगा जस्ट बिकॉज दे बोथ आर लिविंग सेपरेटली फॉर 22 ईयर्स। ठीक है? और उनके बीच में कोई भी फर्दर कोहबिटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, और जो हमारा अपीलेंट है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन राजेंद्रन, उसकी दोबारा शादी हो चुकी है इन द बिलीव दैट के उसको डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट हो चुकी है। क्लियर है? तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था सुप्रीम कोर्ट का, एक लीगल पॉइंट था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट किया, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन क्या दिया कि नहीं, एज पर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट, आप ये नहीं बोल सकते कि अपील करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो टाइम पीरियड का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस बीच में जो
उनकी मैरिज जो हुई थी वो भी एक लीगल वे में हुई थी, तो उस चीज को भी उन्होंने वैलिड ग्राउंड वैलिडिटी दी, उस ग्राउंड पर भी चीजों को जज किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप ये समझो कि हम हाईकोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर देंगे और आपको डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देंगे, तो वो नहीं होगा। क्रुएलिटी आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हो तो क्रुएलिटी नहीं है, लेकिन आप 22 ईयर्स से चीजों को नहीं लेके चल रहे हो, तो वो आप इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन उन्होंने उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। तो उनका मेन इंटेंशन ये था कि चीजों को रीस्टैब्लिश करना है, चीजों को एक सही जगह पर बैठाना है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वन साइडेड गया, फैमिली कोर्ट वन साइडेड गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों को मर्ज किया, उन चीजों को तरीके से देखा और हर किसी को सेटिस्फाई किया। तो यही रीजन था कि ये एन राजेंद्र वर्सेस एस वल्ली लैंडमार्क जजमेंट बना और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नई चीज करता है, आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई चीज करता है, तो वो हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट बन जाती है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच बेंच किसकी थी, जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय, ऑन 3rd of February 2022 को डिसीजन आया था कि ठीक है कि उनको अपोजिट पार्टी को जरूरत नहीं है कि अपील फाइल करें विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। आज का हमारा जो केस था वो बेसिकली फैमिली लॉ पर से रिलेटेड था, तो कल हम एक नए केस के साथ आएंगे और उसका टॉपिक अलग होगा। ठीक है, प्लीज केस को अच्छे से पढ़िए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें, ठीक है, और शेयर करिए वीडियो को, जिसको जरूरत है उसको दो यार, हम तो आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। कोई कंफ्यूजन आता है कमेंट में आप अपना डाउट भेजिए, हम क्लियर करेंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस पढ़ते चलो और अच्छे प्रिपरेशन करनी है, क्लैट पीजी फोड़ना है, क्लियर है ना? कोई डाउट है अब मैं बताओ। थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर द डे, और एंजॉय करें।